गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागॉजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे डायग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्राम में हम क्या करते हैं। हम देखते हैं कि हम डायग्राम में जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए हम डायग्राम का निर्माण करते हैं। डायग्राम भी कई प्रकार के होते हैं, मिश्रित भी होते हैं, साधारण भी होते हैं, वृत्त के आधार पर भी होते हैं, कोण के आधार पर भी होते हैं, चित्र के आधार पर भी हम इसे डायग्राम को बना सकते हैं। अब जिसके अंतर्गत हम पहला जो डायग्राम पढ़ेंगे वह है साधारण डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहले हम उसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमें इस डायग्राम के माध्यम से जनसंख्या का पता करना है कि कहां पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहां हम आंकड़े लिख देंगे क्षेत्रफल में 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये हमारे क्या है आंकड़े प्रतिशत में है। फिर हम देखेंगे कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या निवास करती है। ये हो गया हमारा पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हम यहाँ पहले राज्य को लिख लेते हैं। अब हमें देखना है, मान लीजिए कि 600 पंजाब में है, तो यहाँ 600 के आगे हम डायग्राम बना देते हैं। फिर इसको हम किसी भी डार्क कलर से ड्रैग कर देते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में मान लीजिए कि 500 है, तो हमने यहाँ 500 कर लिया। फिर यहाँ कर्नाटक में मान लीजिए 300 है, और यहाँ पर 100 मध्य प्रदेश में। तो हमने इस डायग्राम के माध्यम से देखा कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो अगर हम देखें तो यह डायग्राम बनाने में बहुत ही सरल होता है, और इसमें जब भी हम कोई चीज प्रदर्शित करते हैं तो हम इसको मोटे आकार में प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसको सिंपल बार डायग्राम भी कहा जाता है। हम इस डायग्राम के माध्यम से किन किन चीजों को दर्शा सकते हैं, तो हम जनसंख्या, फिर राशि, औद्योगिक उत्पादन, आदि को हम इस डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं। केवल हम इसके अंतर्गत एक ही आंकड़ों को दर्शाने का प्रयास इसमें किया जाता है। अब हम दूसरा जो देखते हैं वह है मिश्रित द्वंद आरेख। इसको सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार मिश्रित दंत आरेख बनाया जाता है। इसमें भी हम मान लीजिए हमें यहाँ पे गन्ना और तंबाकू के उत्पादन को दर्शाना है, तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ प्रतिशत में ही लिखेंगे,
ठीक है। क्षेत्रफल, एकड़, यहाँ पर हम एकड़ में दर्शाएंगे ना कि प्रतिशत में, क्योंकि हमको यहाँ पर उत्पादन दर्शाना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला है राज्य वह है कर्नाटक, और यहाँ पर 500 उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कर्नाटक में है और 400 भी कर्नाटक में है, परंतु 500 हमने गन्ना का दर्शाया और यहाँ पर हमने दिखाया कि यहाँ पर तंबाकू है। तो जो हमारा गन्ना है उसको हम डार्क कलर से कर देंगे, हमें पता चल जाएगी ये सिंबल किसका है, गन्ने के उत्पादन का है। फिर हमने देखा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में 400 है गन्ने का और 200 है तंबाकू का। फिर हमने इस गन्ने को डार्क कलर से प्रदर्शित कर दिया। फिर है हमारा मध्य प्रदेश, उसमें गन्ना है हमारा 300 और 100 है तंबाकू। तंबाकू तो हमने इसमें देखा, हमने इसमें इसमें हमने जो आंकड़े हैं वो दो आंकड़ों को दर्शाए, यानी एक से अधिक आंकड़ों को, सांख्यिकी आंकड़ों को इस मिश्रित दंड आरेख में दर्शाया जाता है, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न आंकड़ों को छाया चित्र रंगों से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने संकेत में लिखा जो गन्ना है हमारा उसको कैसे बचानेंगे, उसके उत्पादन कितना हुआ है ऐसे, ठीक है, और तंबाकू का हमने ये खाली रखा है, या फिर हम इसको इसके द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो अब इस हम कलर या छाया चित्र के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे किसका उत्पादन ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। फिर नेक्स्ट है चकरा देख, चकरा लेख। अब इसको भी हम चित्र के माध्यम से पहले देखते हैं, ये व्रत होता है जिसके अंतर्गत हम जातियों को देखते हैं कि हमने यहाँ पे व्रत की सहायता से जातियों को दर्शाया है कि हम इस कोण, इस प्रतिशत को हम क्या करते हैं, कोण में बदल कर हम इसको प्रदर्शित करते हैं, और चक्रा रेख पर हम आंकड़ों को या सांख्यिकी आंकड़ों को दर्शाया जाता है, जिसके अंदर हमने बताया कि इतने प्रतिशत, मान ली सबसे ज्यादा अन्य जातियां हैं, कश्यप कितनी है, राजपूत कितनी है, अनुसूचित जातियां कितनी है, तो हम इसको यहाँ पर प्रतिशत के द्वारा दर्शाने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है चक्रा रेख के अंतर्गत, जो व्रत के व्रत बनाकर हम इसमें किसी भी जाति को प्रतिशत के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो ये थे हमारे डायग्राम, दूसरा आगे के डायग्राम हम कल क्लास में अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है
साधारण मिश्रित चक्रारी डायग्राम को चित्र द्वारा समझाइए। साधारण मिश्रित चक्रारेख को चित्र के माध्यम से समझाइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।